बोलते क्या बोलते वो पता नहीं, बेबी वो पिलो, तो उसे लेने के लिए गए हैं क्योंकि आज हमने उसे चरने के लिए भेजा था झुंड में, तो झुंड में ही ये ब्याह ही है, तो उसके कारण आज ट्रैक्टर भी नहीं था घर पे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई कि कैसे लेने के लिए जाए हम उसे। फिर काफ़ी सोचने के बाद बाइक लेके गया आ गए हैं यहाँ पे देखे। तो अभी यहाँ सब डिस्कस कर रहे हैं कि अभी हम इसे कैसे उठाएंगे और बाइक में कैसे बिठाएंगे। अगर ट्रैक्टर होता है तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, पर यह बहुत ज़्यादा भारी है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी है। तो आगे इसे बाइक में लेके आएंगे बेबी बफेलो को, उसके बाद बफेलो पीछे पीछे आ जाएगी भैंस हमारी। तो ये अभी सेटिंग हो ही नहीं रहा है कि इसे कैसे बिठाए। जैसे तैसे करके अभी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके घर पे लेके आना ही पड़ेगा, पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी घर पे लेके आने के लिए। फाइनली यहाँ पे माँ और बेटी, पापा जिगर और उनके दबा जिगर के दोस्तों की मदद से घर पे आ गए हैं और आके बैठ भी गई है ये, यानी कि बहुत ज़्यादा थक गई है। ये दोनों घर पे आ गए हैं माँ और बेटी, उसके लिए बनाया है काढ़ा, तो अभी काढ़ा चेक कर रहे हैं गर्म है या ठंडा। और यहाँ पे किया है धुआँ ताकि मक्खियाँ थोड़ी सी दूर हो जाए। तो अभी हम लोग आ गए हैं वापस बड़े पापा के घर पे। दोनों की मिल्किंग तो नहीं की है, सिर्फ गंगा की अभी भैंस की थोड़ा टाइम बाकी है, उसके बाद करनी होगी।
लेकिन बहुत ज्यादा आज परेशान हो गए। कल ही मैंने आपको बताया था ना कि सब कुछ एक साथ आ गया है, तो कल गंगा भी आई, आज भैंस भी आई और उनकी प्यारी सी बेबी फीमेल है, बहुत ही क्यूट है और बहुत ही ज्यादा मोटी भी है, तो काफी परेशानी भी हुई उसे लेके आने में, जो चरने के लिए गई थी वहां से। लेकिन अच्छा था, अगर गाय होती तो बहुत ज्यादा दिक्कत रहती, क्योंकि भैंस जितनी शांत होती है, सरल होती है, उतनी गायें शांत और सरल नहीं होती है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं और भाभी चूल्हे पे रोटियां बना रहे हैं। लेकिन बारिश में ना बर्तन भीग गए हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इतना जल्दी नहीं जलता है ना। हाँ तो